हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है नैनीताल का ब्लॉग थर्ड। 3 ब्लॉग में पूरा नैनीताल मैंने कवर कर लिया था, तो 2 ब्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया नैनीताल की फेमस प्लेसेस। अब थर्ड ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ नैनीताल के मंदिर, जो फेमस मंदिर है नैनीताल में वो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकेंड डे हम लोगों ने स्कूटी हायर करी थी, फर्स्ट डे तो हम लोग कार से गए थे, लेकिन फिर हमें लगा कार से ज़्यादा बेटर स्कूटी ऑप्शन है, तो स्कूटी ले लें। और एक बात याद रखिएगा, स्कूटी लेने के लिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, चाहिए ही होगा, तभी आपको स्कूटी मिलेगी, वरना स्कूटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी लोग स्कूटी लेते हैं और स्कूटी से ही घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम चल दिए हैं नैनीताल से। सबसे फेमस मंदिर नैनीताल का जो है वो है कैंची धाम। करौली बाबा का मंदिर आपने सुना होगा, कैंची धाम। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको बस बाहर बाहर से आपको दिखाया है। बाकी आप इसको गूगल सर्च करिए, काफ़ी फेमस मंदिर है नैनीताल का। लगभग 1 घंटे हमें नैनीताल से करौली बाबा कैंची धाम पहुँचने में लग गए थे, तो इसलिए मैं आपको पूरा यहाँ का व्यू बाहर से दिखा दे रही हूँ। लिटरली आज यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा रश था कि गाड़ी हम लोग को बहुत दूर पार्क करके फिर जाना पड़ा। यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने बस बाहर बाहर से आपको दिखाया। बाकी आप अंदर जाके देख सकते हो। ये मंदिर फेमस हुआ है, यहाँ पे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा आए थे, वो कहते हैं वो यहाँ पे जो मांग के गए थे उनकी विश पूरी हो गई थी, तो उन्होंने एक अपने न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया था। उसके बाद ये मंदिर कुछ ज़्यादा फेमस हो गया और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग फिर आने लग गए हैं। वहाँ से निकलने के बाद फिर भूख लग रही थी, तो मैंने ये खाया भुट्टा। यहाँ पे भुट्टा बहुत ही टेस्टी मिलता है, मतलब हल्का सा मीठा होता है, उसमें ये कुछ चटनी और नमक लगा के देते हैं, बहुत टेस्टी भुट्टा बना के देते हैं यहाँ पे। तो हर जगह नैनीताल में आप कहीं भी खाइए ना, भुट्टा ऐसे ही मिलता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने भुट्टा खाया, ये खाने के बाद हम फिर वापस निकल गए। वापस निकलने में रास्ते में एक मंदिर पड़ा था, ये बंद था मंदिर, लेकिन हमने सोचा चलो आपको ये भी दिखा देते हैं। बाहर से हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, दिन का टाइम था तो बंद हो गया था, इसलिए इसको हमने बस बाहर से देखा और दर्शन करे। फिर यहाँ पे फ़ोटोशूट करने के बाद, क्योंकि लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही थी, हम निकल गए वापस। वापस हम नैनीताल पहुँचे, फिर शाम को हम नैना देवी मंदिर गए। नैना देवी मंदिर के पास एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर मैच चल रहा था, तो जो मैच लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं, वो यहाँ पे आके भाई मज़े कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी लोग देख रहे थे यहाँ पे मैच खड़े होके, तो यहाँ पे क्रिकेट वगैरह देखा हम लोगों ने। फिर हम लोग चले गए नैना देवी मंदिर दर्शन करने। यहाँ पे मार्केट भी काफ़ी अच्छा लगा हुआ था, मैं आपको बता दूँ। मॉल रोड पे है नैना देवी का मंदिर, तो मॉल रोड पे मार्केट भी बहुत अच्छा लगा हुआ था, अगर आप चाहें तो वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। नैना देवी मंदिर मैं अंदर फ़ोन अलाउड था, तो मैं आपको पूरा मंदिर दिखा देती हूँ कैसा है। और ये जस्ट जो नैनी लेक है ना, जो नैनीताल की फेमस लेक है, उसके जस्ट पीछे बना हुआ है, तो ये आपको पीछे दिख रही होगी लेक। ये काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा था, हम लोग ऊपर गए ना मंदिर में, ऊपर भी मंदिर बना हुआ था, तो जब ऊपर हम दर्शन करने गए ना, तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू, मतलब लेक का कितना सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट था। तो अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, ये शाम को 8 बजे तक ओपन रहता है मंदिर। लेकिन मॉन रोड पर एक आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, मॉल रोड पे जब आप जाते हैं ना, तो जाने के लिए तो आप स्कूटी लेके जा सकते हैं, लेकिन लौट के आने में 8 बजे के पहले, 6 से लेके 8 तक, मतलब 6 बजे से लेके 8 बजे तक का जो टाइम होता है ना, मॉल रोड पे व्हीकल नहीं चलते। मतलब वहाँ पे स्ट्रिक्ट मना है कि मॉल रोड पे आप कोई भी गाड़ी, कोई भी स्कूटी, कोई भी कार, कुछ भी 6 से लेके 8 तक कुछ भी नहीं लेके जा सकते। ऐसा कहते हैं कि 6 से 8 तक बस वहाँ पे लोगों का पैदल जो घूमते हैं ना लोग, उन्हीं का टाइम है वो, तो आप कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं लेके जा सकते। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जाते में तो हम ले जा पा रहे हैं, बट लौटते में हम नहीं ला पाए थे, तो 8 बजे तक हमने वहीं टाइम पास किया था। फिर 8 बजे के बाद हम वापस स्कूटी लाए और उसको हमने स्कूटी वापस करी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नैनीताल ब्लॉग मेरा कंप्लीट हो चुका है, हम जहाँ भी घूमने जाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाई देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी है नैनीताल के बारे में, कैसे जाएँ, क्या करें, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी कि कहाँ पे रुकें, कैसे करें। वैसे तो मैंने सारा कुछ कवर किया है, सारा कुछ आपको बता ही दिया है, फिर भी अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और नैनीताल अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी जगह है, बस सीज़न के हिसाब से जाइए। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, इट्स कम्प्लीट फॉर नैनीताल।